यामिनी ने बताई है विविन डी सेना को कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनको काम भी आ सकती हैं, और या इस हरकत को करने पे जो है यामिनी को डांट भी लग सकती है बिग बॉस द्वारा। देखिए, बाहर की बात तो करनी है नहीं, ये बात तो आप लोगों को भी पता है, इन लोगों को भी पता है, पर कुछ लोग जो है अपनी आदत से काफ़ी ज़्यादा मजबूर होते हैं। वो मतलब ये फ्लो 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 में ना कुछ बातें जो है वो कह जाते हैं। अब यहाँ पर भी इन लड़कियों ने जो है एक बात तो ये बोली है कि भाई हमने जो है सीज़न को देखा है। यामिनी ने भी बोला कि वो किचन में जब खड़ी थी कि वो आलू वाला मैटर जो है, 4 आलू वाला मैटर कितना ज़्यादा हुआ था, विविन अविनाश के साथ जो है मस्ती कर रही थी। शिल्पा भी खड़ी थी, शिल्पा को भी विविन ने ये बात बोला कि भाई जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा ना, जब तक ये यहां पर रहेगी, मेरी वजह से जो है इनको उन 4 आलुओं के ऊपर जो है चीजें सुननी पड़ेगी। वो एपिक था ना, तो यामिनी ने उसके बारे में भी बताया कि भाई वो बहुत ही बड़ा मुद्दा हुआ था 4 आलुओं को। अविनाश के बारे में भी बोल रहे थे कि भाई ये आया तो ये सब लोगों को 12 का 12, 18 18 लोगों को 4 आलू मिलने चाहिए, ये मुद्दा जो है इसने अविनाश ने ही उठाया था। अब ये जो है इनकी दोस्ती हो चुकी है, दोस्त बन चुके बहुत अच्छे। यामिनी जो है गार्डन एरिया में बैठी है, ईशा, एलिस, अविनाश, विविन सब लोग बैठे हैं, तो इनके ग्रुप का हिस्सा कहीं ना कहीं बनने की कोशिश कर रही है। पर एक चीज़ मैंने देखी है कि विविन, अविनाश, ईशा, एलिस जो है अपने ग्रुप में किसी को एंट्री नहीं लेने देते, कभी भी किसी को भी आने नहीं देते। देखेंगे कि यामिनी जगह बना पाएगी या नहीं, देखेंगे। पर वहाँ पर ये बात बोलती है यामिनी कि तुमने जो चाहत पांडे को ये बात बोली थी ना, जूनियर आर्टिस्ट, वो बहुत रूड लगा था, बहुत ही गंदा लगा था, अच्छा नहीं लगा था। तो इसने विविन ने बोला कि मैंने कहाँ गलत बोला, वो जूनियर है, वो आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट, कोई बैकग्राउंड आर्टिस्ट रहता है, कोई साइड आर्टिस्ट रहता है, कोई कैसा आर्टिस्ट रहता है उसको उसी के तरीके से बोला जाता है कि जूनियर। मैं सीनियर हूँ, वो मेरी जूनियर है और इसीलिए वो जूनियर आर्टिस्ट है। तो बोला वो तो मैंने चीज़ें देखी थी, पर वो साउंड जिस वे में, जिस सिचुएशन में तुमने उस चीज़ को बोला ना, वो गलत, उसका गलत जो है वो इम्पैक्ट जो है वो गलत आया। तो विविन ने बोला कि हाँ ठीक है, वो तो चलो ठीक है, अगर उसको इतना ही था तो वो मुझे बोल देती, सीनियर आर्टिस्ट है। तो देखिए यहाँ पर विविन ने बोला तो जो था वो एक्चुअली में चुभाने के लिए ही बोला था, और वो चुभ गई, सुई तो चुभी है और पता भी चला है चाहत पांडे को, ये सुई चुभी थी। देखिए सीनियर आर्टिस्ट अगर किसी को बोला जाए तो किसी को भी कोई ऑफेंसिव नहीं लगेगा, पर अगर किसी को जूनियर आर्टिस्ट बोला जाए तो उसको जो है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव लग जाएगी, क्योंकि ये एक औधा नीचे है और ये औधा ऊपर है। नीचे वाले औधे के बारे में अगर किसी को भी बोला जाए तो उसको गाली के जैसा महसूस होता है, और यही चीज़ जो है वो हुई ज़रूर है। चाहे वो जूनियर है, चाहे कैसा भी है, पर उसको अगर जूनियर आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट, वैसे अगर काम के टाइम पे बोला जाए कि हाँ भाई ये चाहत, ये जूनियर आर्टिस्ट है, ये सीनियर आर्टिस्ट है, इनको ये काम मिलेगा, इनको वो काम मिलेगा, उस वक्त चाहत और सब लोग जो है आराम से ये चीज़ सुन लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।